हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गर्मी की बहुत ही स्पेशल और ऐसी लाजवाब मिठाई जिसे एक बार खाओगे तो बस खाते ही रह जाओगे। और इस मिठाई को बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बना ले। तो इस आम के सीजन में इस मजेदार मिठाई को बनाना तो बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। चलिए बनाना शुरू करते हैं सुपर सुपर टेस्टी, मुँह में घुल जाने वाले बहुत ही लाजवाब आम के पेड़े। तो उसके लिए यह हम लेंगे एक मीठा आम। आप यहाँ कोई भी आम ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो अच्छे से पका हुआ और मीठा हो। तो चलिए अब हम इसे छील लेते हैं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर मैंगो रबड़ी, मैंगो आइसक्रीम, रबड़ी सेवई कटोरी की रेसिपी तो देखी ही होगी, पर आज जो ये मैं मिठाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये इतनी टेस्टी और इतनी जल्दी बनती है कि इसे आप कभी भी कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, यह हमने आम का छिलका अच्छे से निकाल दिया है। तो बस अब हम इसे इस तरह से कट लगाकर इसके छोटे छोटे पीसेस निकाल लेंगे। और ये लीजिए, यह हमने सारे आम के पीसेस निकाल दिए। अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जार और इसमें हम सारे आम के टुकड़ों को ट्रांसफर करेंगे और अब ढक्कन लगाकर एकदम फाइन प्यूरी तैयार करेंगे। और ये लीजिए, यह हमारे मैंगो की एकदम फाइन स्मूथ प्यूरी तैयार हो गई है। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। और जो हमने ये आम की प्यूरी बनाई थी ना, ये सारी हम इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और ये देखिए, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। यह चीनी की मात्रा आप अपने आम की मिठास के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसे लगातार चलाते हुए चीनी घुलने तक पकाएंगे। और जब हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए, प्यूरी भी बढ़िया से पक जाए, ये देखिए इस तरह से पेन छोड़ने लगे और इस पर है ना ऐसी हल्की सी शाइन आ जाए, तो बस उस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। और अब इसके फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच नारियल पाउडर, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप केवल मिल्क पाउडर में भी इसे बना सकते हैं। और अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे कि जैसे जैसे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो रही है, वैसे वैसे इसमें एक बहुत ही प्यारा नेचुरल येलो कलर आ रहा है। तो इसमें अभी हमें कोई भी फूड कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। यह हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया। अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा मिक्सचर गाढ़ा होकर डो फॉर्म में ना आ जाए। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। मैंगो के साथ इलायची का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसे भी करेंगे अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रहे इसे लगातार चलाना है, वरना हमारा मिक्सचर नीचे चिपक सकता है। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है और इसने पेन भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और इसे भी लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। और ये लीजिए, हमारा मिक्सचर गाढ़ा होकर डो फॉर्म में आ गया है। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब गैस को करेंगे बंद और इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब इसे इस तरह से फैला करके हल्का ठंडा होने देंगे। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, वरना हमारे पेड़े स्मूथ और चिकने नहीं बनेंगे। यह मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम हाथों को घी से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर इस तरह से लड्डू की शेप देंगे। और अब इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और एक उंगली से बीच में इस तरह से होल बना देंगे। और अब हम यहाँ लेंगे कुछ पिस्ता की कतरन, आप यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इसे हम इस तरह से लगाकर इसे गार्निश करेंगे। वाव, ये देखिए कितना सुंदर हमारा मैंगो पेड़ा तैयार हुआ है, लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है सुपर सुपर टेस्टी आम के पेड़े। कोई देखकर बोल नहीं सकता कि ये आम के पेड़े आपने कम समय और कम सामान में घर पर बनाए। और यहाँ मैं आपको एक पेड़ा बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी लुकिंग और टेक्सचर, बिल्कुल स्मूथ परफेक्ट टेक्सचर के साथ हमारे पेड़े तैयार हुए।
यकीन मानिए दोस्तों, ये पेड़े इतने सॉफ्ट और टेस्टी बने कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, और एक बार इसे आप खाओगे तो बाकी की सारी मिठाइयाँ भूल जाओगे और इसे रोज बनाना चाहोगे। तो देर किस बात की दोस्तों, इससे पहले कि मैंगो का सीजन चला जाए, जल्दी से ये लाजवाब मैंगो पेड़े बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए आपके अपने चैनल बिंदियास किचन पर बने रहिए। थैंक यू।